वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन वाद विवाद से इस खेल का काफी गहरा नाता रहा है। क्रिकेट मैदान के अंदर तो खिलाड़ियों के बीच बहस और स्लेजिंग आम बात है, लेकिन अगर ये मैदान के बाहर हो तो ये विवाद बड़ा रूप ले लेता है। ऐसा ही कल दो कमेंटेटर संजय मांजरेकर और माइकल वॉन के बीच सोशल मीडिया पर देखने को मिला। हालांकि इसमें माइकल वॉन संजय पर भारी पड़े, जिसके बाद कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद वॉन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दिया। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब मांजरेकर ने जडेजा को एक पूर्ण खिलाड़ी ना मानते हुए कहा था कि वह उनके स्थान पर टीम में एक पूर्ण गेंदबाज या पूर्ण बल्लेबाज शामिल करते। इस पर जडेजा ने ट्वीट कर मांजरेकर को पहले ही करारा जवाब दिया था, लेकिन अगले ही मैच में मांजरेकर ने भारतीय टीम की फाइनल लिस्ट की भविष्यवाणी करते हुए जडेजा को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। इस पर लोगों ने मांजरेकर के जमकर मजे लिए और माइकल वॉन ने भी उनकी चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने देखा कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को चुना है जो पूर्ण नहीं है। इस पर मांजरेकर ने जवाब देते हुए कहा, मेरे दोस्त वॉन, मैंने भविष्यवाणी की है, न कि ये मेरी टीम है। भारत और न्यूजीलैंड के हाल ही में हो रहे सेमीफाइनल के दौरान जब जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने निकोल्स को अपने स्पिन से बोल्ड कर दिया, तब फिर से माइकल वॉन ने संजय मांजरेकर पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि ये अधूरा खिलाड़ी तो गेंद को स्पिन भी करा लेता है। इस टिप्पणी के बाद मांजरेकर ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यही नहीं रुके, अपने अगले ट्वीट में उन्होंने सभी को बताया कि संजय ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और एक दूसरे ट्वीट में मांजरेकर को लिखा कि ये तो मजाक था, अब अनब्लॉक भी करो। ऐसा करके संजय मांजरेकर ने एक बार फिर से अपना मजाक ही बनाया है। माइकल वॉन अपने समय के मजे हुए और अच्छे खिलाड़ी है और इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके हैं। उन्हें भी संजय मांजरेकर द्वारा जडेजा पर इस तरह की टिप्पणी रास नहीं आई, तभी तो उन्होंने चुटकी लेना शुरू कर दिया। इस पर उन्हें भारतीय जनता से भी खूब समर्थन मिला। संजय मांजरेकर अक्सर खिलाड़ियों को निशाना बनाते रहे हैं और खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, पहले जडेजा, फिर भारतीय जनता और अब माइकल वॉन ने उन्हें आईना दिखा दिया है। वैसे ये पहला अवसर नहीं है जब संजय मांजरेकर को अपने बड़बोलेपन के लिए किसी खिलाड़ी से आलोचना झेलनी पड़ी हो या उनके प्रशंसकों का गुस्सा सहना पड़ा हो। अभी हाल ही में जब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पराजय का सामना करना पड़ा था, तब उन्होंने ट्वीट कर सारा दोष विकेटकीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर मढ़ दिया था। बार बार आम जनता से आलोचना मिलने के बाद भी मांजरेकर अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे। वास्तव में आम जनता को टीवी कमेंटेटर से निष्पक्ष कमेंट्री की उम्मीद होती है। कमेंटेटर द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी में परिपक्वता होनी चाहिए, लेकिन दुख की बात तो ये है कि मांजरेकर इस मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। यही वजह है कि आजकल उन्हें चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।